الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم अल्लाह की हमदो सना जिक्र जनाब मुस्तफ़ा अली तहिया तो व सना अर्ज करने के बाद काबिल साद एहतराम मेरे बुजुर्गों नौजवान भाइयों अजीज बच्चों काबिल कदर माओ और बहनों माह मुकद्दस रबी अव्वल शरीफ का है वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन जो कल और परसों को जुलूस निकल रहे हैं आमद मुस्तफ़ा के चर्चे पूरी कायनात में हो रहे हैं हर अहले ईमान सरकार की आमद पर खुशी मना रहा है खुशी वो मनाता है जिसका कोई ताल्लुक और वास्ता होता है जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता वो इतराज़ करते हैं रहमत आलम नूर मुजस्सम की आमद और जिसने भी मुस्तफ़ा करीम की आमद की खुशी मनाई है अल्लाह करीम ने अपने महबूब के सदके उसको उसका हिस्सा खैरात अता की है इस हदीस को मुहद्दिसीन ने लिया जो हजरत अब्बास की हदीस है कि अबू लाब के मरने के एक साल बाद मैंने उसे ख्वाब में देखा पूछा तेरा क्या हाल है
उसने कहा कि तुम्हारी जुदाई के बाद फिर जो मुझे अजाब हो रहा है, जो दुश्मनान मुस्तफ़ा को अजाब मिलता है वो मुझे भी मिल रहा है, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है, जिस उंगली से मैंने सोबिया को आजाद किया था अपनी लौंडी को, जिसने मुझे आकर ये खबर सुनाई कि अबू लाब तुझे मुबारक हो, तेरे भाई अब्दुल्ला के घर खुदा ने बेटा अता किया है, हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मैं उसकी ये बात सुन रहा था कि मुझे उस उंगली से, जिस उंगली के इशारे से मैंने लौंडी सोबिया को आजाद किया था, वो उंगली मुंह में रखता हूं, मुझे राहत और सुकून और मशरूब मिलता है। हालांकि अबू लाब ने मुखालफत मुस्तफा में इंतहा की है। उस जमाने में दो ही तो मालदार थे जो मुखालिफ थे, अबू सुफियान और अबू लाब। अबू सुफियान भी मालदार था और पूरे का पूरा खर्चा जंगे बदर का अबू सुफियान ने दिया, जंगे ओहद का दिया, खंदक का दिया, ये सारे खर्चे वो खुद बर्दाश्त करता था मुखालफत मुस्तफा में। अबू लाब ने भी मुखालफत की, तकलीफें हजूर के लिए तैयार की, लेकिन इसके बावजूद वो दिन सोमवार का जब आता उसे अजाब में तख़फीफ होती। हालांकि उसने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला समझकर लौंडी आजाद की थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ के आजाद नहीं की थी। अगर अबू लाब को सरकार की आमद की खुशी पर और लौंडी के आजाद करने पर मेरे मुस्तफा की रहमत उसको मायूस नहीं करती, तो हम तो गुलाम हैं हजूर के, हम तो सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो सरकार के दीवाने हैं। फिर ये कहना, बाद लोगों ने कल भी मुझे ये सवाल किया हजरत अबू तालिब के बारे में, उनके ईमान के बारे में, नबूवत का सिला कभी कुफर नहीं हो सकता, नबूवत की खिदमत का सिला कुफर नहीं हो सकता। नबी जिसकी खिदमत करे, और अल्लाह फरमाता है कि हम इंसान का बदला इंसान देते हैं, हल जजाउल एहसान इल्ला लिहसान, एहसान की जजा एहसान है। हजरत अबू तालिब तो मुस्तफा को पालें, परवरिश करें, सीने पे लटाएं, हर रात जाकर हिफाजत करें, और नबुवत की सिला कुफर हो, दोजख हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। जो बात कहते हैं जी हजूर ने फरमाया कलमा पढ़ लिया, उसने कहा मैंने कलमा नहीं पढ़ना, बुरा हो गया हूं, कब्र में जाने लगा हूं, लोग ताने देंगे कि मौत के डर से कलमा पढ़ लिया, इसके रावी कौन है? अबू लाब, अबू जाल। अबू लाब और अबू जाल की रवायत को तो मानते हो कि उन्होंने कहा कि उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ता हजरत अबू तालिब की जाते पाक ने। और हजरत अब्बास जो हजूर के चचा सहाबी भी हैं, चचा भी हैं, वो फरमाते हैं मैं गवाही देता हूं कि अबू तालिब ने मेरे सामने आके वो कलमा पढ़ लिया था। चूंकि कलमा पढ़ना इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, ये ईमान में दाखिल होने के लिए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि वो जुबान से इकरार भी करे और दिल से तस्दीक भी करे, यानी कि दिलो जान से वो माने वो मुसलमान है। लेकिन कुर्बान जाए हजरत अबू तालिब की खामोशी के, क्या वो शेर है ये एहतियात जनू कि तेरा नाम लूं, तेरा जिक्र करूं और तेरा नाम ना लूं। आप सारे मिशन में शामिल हैं, लेकिन बरादरी के साथ खड़े होकर ये कहते हैं कि मैं इस मिशन का हामी हूं,
उसके लिए मेरी जान भी कुर्बान है, मेरी लाशें गुजर कर कोई मेरे मोहम्मद की तरफ आएगा। इतना बड़ा काम। वो कलमा न पढ़ने वाली हदीस, उसको अबू लहब और अबू जहल की बात मानते हैं और हजरत अब्बास की बात नहीं मानते। बहरहाल मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि अगर अबू लहब को विलादत मुस्तफा का फैज मिल सकता है तो लोंडी भी तो पैसों से आती थी ना। उस जमाने में लोंडियां खरीदी जाती थी, पैसे दिए जाते थे, लोंडियां बिकती थी, तो वो एक समन कीमत थी उसकी। तो आपने लोंडी को आजाद करके अपने पैसे कुर्बान किए हैं। हजरत मुस्तफा करीम की आमद पर अबू लहब ने लोंडी आजाद किया तो पैसे खर्च किए ना, कि जा तू आजाद है, वो जितने की भी थी। अब सदाकत के बादशाह सदीक अकबर मिलाद मुस्तफा के बारे में क्या कहते हैं? मैंने पिछले जुमे भी अर्ज किया, वक्त इजाजत नहीं देता था, कि आपने फरमाया मन अनफका दिरहमन अल्लाह किराते मौजबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी की फिल जन्ना, जिसने मेरे महबूब के मिलाद पर एक दिरहम खर्च किया काना रफी की फिल जन्ना, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। पता चलता है कि हजरत अबूबकर सदीक जन्नती हैं, अशरा मुबशरा जो है उनमें हजरत अबूबकर सदीक पहले नंबर पर है। अगर वो जन्नती ना होते तो हमें क्यों कहते हैं कि सरकार के मिलाद पर खर्च करो मेरे साथ जाओगे? फिर फरूक आजम का फरमान कि मन अज्जमा मौलद नबी फकत अहिया इस्लाम, जिसने महबूब के मिलाद की ताजीम की गोया कि उसने इस्लाम को जिंदा किया। पता चलता है कि फरूक आजम के नजदीक ताजीम मुस्तफ़ा, ताजीम मिलाद मुस्तफ़ा, ये इस्लाम है। इसलिए कि महबूब का मिलाद मनाकर हम शिरक को खत्म करते हैं कि हमारे आका सब कुछ हैं लेकिन इला नहीं है, खुदा नहीं है, हम उनकी इबादत नहीं करते, वो पैदा हुए हैं। अगले दिन मेरे प्रोग्राम में किसी ने सवाल किया कि नबी पाक ने हज़रत लीमा का दूध पिया है कि नहीं पिया, मासूम गैर मासूम का दूध नहीं पीता। अरे हजूर तो आए ही गरीबों के लिए थे ना, हजूर खाने पीने के मोहताज नहीं है। योम विसाल के रोजे जब सरकार ने रखे तो सहाबा ने भी शुरू कर दिए, कमजोर हो गए। हजूर ने पूछा तुम कमजोर क्यों हो गए हो? अर्ज किया सलाम रोजे रखते हैं। फरमाया क्यों? आप जो रखते हैं। फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी मिसल कौन है? मैं तो अपने अल्लाह से खाता हूं, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता है, तुम मुझ जैसे नहीं हो और मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कोई जानता ही नहीं है। हजूर इस लबास में आए थे हमारी तरबियत के लिए, वरना बशर का क्या काम है कि वो अर्श पर जाए? हजूर का बशर होकर अर्श पर जाना भी मौजजा है और नूर होकर आमना का बेटा होना भी मौजजा है, हलीमा के घर जाना भी मौजजा है। हजरत हलीमा खुद फरमाती है खुदा की कसम जब मैं आई थी ना तो मेरे पास दूध नहीं था, मेरा बेटा अपना जुमरा जो था वो रोता था भूख से, दूध नहीं था, मैं घास खा के गुजारा करती थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। दाइयां बहुत आई थी, अरब करवाई था लेने के लिए, लेकिन वो यतीम समझ के छोड़ गई। मैं कहता नहीं, सरकार आए ही गरीबों के लिए थे, जब तक वो गरीबनी नहीं आई सरकार ने किसी को कबूल ही नहीं किया। और हलीमा ने दूध पेश किया, हलीमा फरमाती है मैं खड़ी थी एक कोने में परेशान थी, जो कि दाइयों को मैंने जाते हुए देखा बच्चे लेके जा रही है, तो मैंने सोचा मैं देर से, अब बच्चा रह ही नहीं गया। बात फरमाती है मैं खड़ी थी तो अचानक वजाहत वाले बुजुर्ग आए जिनके चेहरे पर एक जलालो रोब था। उन्हें मुझे करीब आकर बेटी बड़ी परेशान है तू, मुसाफर लगती है, सफर के आसार तुझ पे नजर आ रहे हैं, कौन है तू, कहां से आई है? कहती है मैंने उन बुजुर्गों की वजाहत देखी, रोब देखा तो मैं सहम गई। उन्हें प्यार से कहा नहीं बेटी आप बता कहां से आई है? अर्ज की मैं ताइफ से आई हूं,
दूर से आई हूं। क्यों आई है? कोई बच्चा मिल जाएगा, उसके मुआवजे में पैसा मिल जाएगा। तो फरमाया फिर परेशान क्यों हैं? उसने कहा परेशान इसलिए हूं कि बच्चा कोई मिला ही नहीं, और जो पहले दाई आई थी मेरी सवारी भी कमजोर थी, वो लेकर चली गई है, इसलिए मैं परेशान हूं। फरमाती हैं उस रोब वाले बुजुर्ग ने कहा बेटी आ मेरे साथ, मैं तुझे वो बच्चा अता करता हूं जो आया ही गरीबों के लिए है, जो आया ही बेसहारों के लिए है। फरमाती है मैं बुजुर्ग के पीछे पीछे गई, वो मुझे बैते आमना में ले गई। मैं जब सहने आमना में गई तो उन्होंने दरवाजे में खड़े होकर आवाज दी, फरमाया बेटी आमिना अपने लखते जिगर को बार ला, तेरे बेटे के लिए मैंने दाइया का इंतजाम किया है। फरमाती है मैं देखती रही, अंदर से खतून अपनी गोद में सबज रंग के कपड़े में लपेटे एक शहजादे को लाई। जब वो मेरे करीब आई ना तो करीब आके कहती है दाइया ये समझ ले तू कहां से आई है। उसने कहा ताइफ से आई हूं। किस कबीले से है? बनू साद से हूं। नाम क्या है? हलीमा है। फरमाया देख हलीमा ये बेटा है तो मेरा यतीम, लेकिन है दुवे यतीम, ये तनहा वो मोती है जिस जैसा कायनात में अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया है। इसके कमालात मैंने देख लिए, मेरा घर खुदा का अर्श बन गया, आसमान के मलाइका मेरे घर का तवाफ करने लगे, हुराने जन्नत मेरे मुबारके देने लगी, मेरे घर के इर्द गिर्द आसमान के जंती परिंदे आने लगे, अंबिया ने मुझे आकर मुबारके दी, आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर रसूल मेरे हुजरे में आया, उन्होंने आकर मुझे मुबारक दी। हलीमा देखना है ये यतीम, इसके साथ यतीमों वाला सलूक ना करना, यतीमों जैसा सलूक ना करना, ये बड़ी किस्मत वाला, बड़ी अजमत वाला, बड़े मर्तबे वाला है। अलीमा फरमाती है जब सैयदा आमना ये बयान कर रही थी तो साथ आंखों में आंसू जारी थे। हलीमा ये मेरा शहजादा, इसका बाप दुनिया में नहीं है, चार माह गुजर गए हैं इसके बाप को विसाल किए हुए, वो भी मक्का में नहीं मदीने में, मैं मक्का में थी, इसका बाप मदीने में फौत हुआ, इसका बाप मदीने में दफन हुआ, मैं अपने खामद की कब्र पे भी नहीं जा सकी, अभी मैं उन अय्याम में हूं कि उसकी मोहब्बत में बैठी रहूं। इसको यतीम ना समझना, इसके साथ यतीमों वाला सलूक ना करना। हलीमा ये खुदा का नूर है, बड़ी बहारें आएंगी तेरे घर में। हलीमा फरमाती है मैं चेहरा देखती रही और सैयद आमना की बातें सुनती रही, फिर मैंने कहा बीबी अपने लाल की ज्यारत तो करा। फरमाती है जब मैंने कहा लाल की ज्यारत करा तो दिल नहीं चाहता था हजरत आमना का कि मैं अपने सीने से जुदा करूं, लेकिन फरमाती है जब उन्होंने सामने किया ना तो मैंने हजूर को ऐसे उठाया, पहली निगाह मेरी चेहरा मुस्तफा पर पड़ी। फरमाती है मैं देखते ही सरकार पर फिदा होगी, और बेसाख्ता मैंने हजूर को अपने सीने से लगा लिया। फरमाती है खुदा की इज्जत की कसम, सीने से लगाने की देर थी कि मेरी छाती दूध से भर गई। फरमाती थी पहली निगाह में मैं कुर्बान तो होगी थी, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। फरमाती है मैं पहली निगाह में कुर्बान तो होगी थी, लेकिन मैंने जब सीने से लगाया ना तो मेरा दूध छाती मेरी भर गई दूध से। फरमाती है मैंने दाई जानब का दूध पेश किया, हुजूर ने कबूल कर लिया। फरमाती है मैं मोहब्बत बढ़ गई, मैंने बाई जानब का पेश किया, सरकार ने मुंह फेर लिया। फरमाती है मैंने फिर सरकार से पूछा कि आपने बाई जानब का दूध क्यों नहीं कबूल किया, तो हुजूर ने फरमाया माँ मैं दुनिया में भाइयों का हक खाने के लिए नहीं आया, हक दिलाने के लिए आया। ये दूसरे से का जो दूध था ये मेरे भाई जुमरा का था, उसके लिए छोड़ दिया। कुर्बान जाएं ऐसा कायनात में चीफ जस्टिस कहां से आएगा जो मां की गोद में इंसाफ कर रहा है। अलीमा फरमाती है मैंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाही तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया,
हलीमा बेटी तू परेशान थी, बता मेरे लाल को दूध पिलाने के पैसे कितने लेगी, मुआवजा क्या लेगी? तो फरमाती है मैंने अर्ज की हजूर मैं शहजादे के दूध पिलाने का कोई मुआवजा नहीं लूंगी। फरमाया हलीमा बड़ी परेशान थी, तू तो परेशानी के आलम में खड़ी थी, अब कहती है मैं कोई मुआवजा नहीं लूंगी, क्यों? हलीमा कहती है इसलिए कि सुकून में कल्ब मिला, लज्जत हयात मिली, दरे हबीब मिला तो सारी कायनात मिली। इसलिए कि सरकार मिल गए जिसकी बरकत से मैं दूध वाली हो गई, आगे कितनी बरकतें मुझे मिलेंगी। फरमाती है मैं हजूर को उठाकर इजाजत ली और सैयद आमना की निगाह मेरी तरफ है, देख रही है, और मैं पलट कर सैयद आमना को देखा ना, तो फिर आमना कहती है हलीमा इसके साथ यतीमों वाला सलूक ना करना। फरमाती है मैंने कहा मैं अपनी जान से ज्यादा प्यारा रखूंगी, मैं हजूर को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगी। फरमाती है हमारा रिवाज था कोई मक्के से बच्चा ले उसे पहले हरम में ले जाते थे, हरम काबा में अजर अस्वद का बोसा दिलाते फिर उसको लेकर हम जाते थे। फरमाती है जब मैं लेकर गई ना काबे में तो मैंने अजीब तमाशा देखा, मैं काबे में दाखिल हुई अचानक मेरी निगाह पड़ी, मैंने क्या देखा कि अजय अस्वद काबे शरीफ से खुद निकला, हत्ता इल्तसका बिवजहिल करीम, अजय अस्वद ने आकर सरकार के रुखसार का बोसा लिया। फरमाती है मेरी निगाह में था अजय अस्वद, सारी कायनात अजय अस्वद का बोसा लेती है। फरमाती है मैं जब सामने आई तो वो खुद निकल कर आया, हत्ता इल्तसका बिवजहिल करीम, उसने आके सरकार के रुखसार का बोसा लिया। फरमाती है मैं हैरान रह गई, सीने से लगाया तो दूध वाली बन गई, काबे आई तो खुद हजरत अस्वद आया बोसा लेने के लिए। फरमाती है फिर मैं जब आई ना वापस तो मेरा शौहर जो था वो ऊंटने के पास खड़ा था, वो भी हैरान था परेशान था कि कोई बच्चा नहीं मिला, गुजरोकात कैसे करेंगे। फरमाती जब मैं करीब आई ना तो उसने मुझे पूछा हलीमा तू बच्चा ले आई है, किसी गरीब का है या अमीर का है? फरमाती है मैंने अपने शौहर से कहा जमरा के बाबा है तो यतीम, इसका बाप तो दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके कमालात ने तुझे क्या बताऊं, मैं भूख की मारी थी, मैं घास तेरे सामने खाती थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास दूध नहीं था, इस शहजादे को सीने से लगाने की देर है, मैं दूध वाली भी होगी भूख भी जाती रही, और तुझे क्या बताऊं जुमरा के बाप, जब मैं काबे में आई अजरे अस्वद ने वहां से निकलकर इसके नुसार चूमे, पत्थर जानता था कि ये कौन है। अजरे अस्वद बोलो उसके बारे में है ही ना कि उसके बारे में ये है कि अजरे अस्वद यमीनुल्लाह अजीज कुर्सी है, अल्लाह फरमाता ये मेरा हाथ है, अजरे अस्वद क्या है ये मेरा हाथ है, ये हर आने वाले को जानता है, ये मुझे और आपको भी जानता है, जब हम जाते हैं ना वहां तो हमें भी जानता है, क़यामत को गवाही देगा अजरे अस्वद सब की, फला इब्ने फला आया था, अल्लाह के बाप के बारे में इलम नहीं है, वो जानता है किसका बेटा है, वो कहेगा फला इब्ने फला आया था, लाखों की तादाद में दुनिया आती है, वो पत्थर इतना सा है सबको जानता है। लोग कहते हैं बाल कि नबी को नहीं पता था मैं नबी हूं या नहीं, 40 साल तक उसको पता है पत्थर को कि आने वाला रब का यार है, वो जानता है जब अल्लाह से अहद हुआ था ना, जब अल्लाह की तस्दीक सबसे पहले मुस्तफा ने की थी तो रब ने कहा महबूब अगर तस्दीक किया था फिर एक ऐद भी करें, तो हजूर ने कहा ऐद के लिए तो हाथ चाहिए, तू तो हाथों से पाक है, ये अजर अस्वद, अल्लाह ने फरमाया यही मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, इस अजर अस्वद को अल्लाह ने अपना हाथ कहा, तो हजूर भी जानते थे अजर अस्वद को, वो भी जानता था ये कौन है आने वाला, इसी तो निकल के इस्तकबाल किया था अजर अस्वद ने। अलीमा फरमाती है मेरी सवारी बड़ी कमजोर थी, मैंने हजूर को सवारी के पीछे बैठाया, मैं पीछे बैठी तो मेरा शोर आगे बैठा तो सवारी नहीं उठी, मेरा शोर कहता है अलीमा सवारी कमजोर तो है लेकिन हम दोनों ही बैठ के इस पे आए थे, अब क्यों नहीं उठती?
फरमाती हैं मैंने उसे कहा ये जो शहजादा है ना हमने आपने इसको पीछे बिठाया है, इसको आगे बैठाओ। फरमाती हैं जब मैं आगे बैठी लेकर गोद में सवारी खड़ी होगी। फिर फरमाती हैं वो कमज़ोर और लागर सवारी की रफ्तार जो थी इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो जो मुझसे पहले लौंडियाँ दाइयाँ जा चुकी थी ना, जब मैंने उनको क्रॉस किया ना वो भी हैरान रह गई। नहीं हलीमा सवारी बदल के आई है। हलीमा कह रही है नहीं सवारी वही है, सवार बदल गया है, सवारी वही है। बल्कि सवारी ने बोल के कहा, बेटा इधर हो जाओ कैमरे से, सवारी ने कहा कि तेज मेरी इसलिए रफ्तार है क्योंकि मुझ पे बैठा खुदा का यार है। ये सिदरा का राही, ये बुराक पे जाने वाला, अर्श पे जाने वाला बैठा है, इसलिए मेरी रफ्तार तेज होगी है। सैयदा हलीमा फरमाती हैं वो हैरान रह गई। फिर फरमाती हैं कि रास्ते में 40 यहूदी थे जो इसी तलाश में निकले थे कि हमें मिल जाए मुस्तफा, हम उसे कत्ल कर दें। फरमाती जब मेरी सवारी उसके करीब से गुजरी ना, तो उनका जो सरदार था जो बड़ा पादरी था उसने खुशबूए मुस्तफा को सूंघ लिया, सवारी हमारी को रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा दिखा जो तेरे पास है। अलीमा फरमाती है मैंने दिखा दिया। जब मैंने दिखाया तो उसने चिल्ला कर कहा जिसकी तलाश में निकले हो यही है वो बच्चा। फरमाती है मेरी चीखें निकल गई, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। फरमाती है मैंने जब चिल्लाना शुरू किया तो हुजूर ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। सरकार ने निगाह आसमान की तरफ, फरमाती है अचानक आसमान से आग आई, उन 40 यहूदियों को खाकस्त्र करके चले गई, फिनार कर गई। अलीमा फरमाती ये मैंने और कमाल देखा मुस्तफा करीम का, ये मैंने और कमाल देखा। हाँ मुस्तफा करीम आए ही गरीबों के लिए हैं। देखो ना सरकार का इंतखाब देखो, जिस माँ की गोद में आए हैं उस माँ के घर में दिया ना था, जिस दाई को कबूल किया उसके पास खाने के लिए कुछ ना था, और फिर सरकार के लजपाली के कुर्बान जाएं। कितने लजपाल हैं मेरे आका। मदीने आए मक्का से, उस घर में आए जिस घर में बिस्तर ही नहीं था, अय्यूब अंसारी के घर में। वो खुद फरमाते हैं मेरा जो मकान था ना बारिश आती थी तो वो पानी बहता था उसमें, मेरे घर में कोई तकिया नहीं था, बिस्तर नहीं था, मैंने बोरियां इकट्ठे करके ना तो सरकार के लिए। फिर फरमाते मैं तो रो रहा था कितने मैं को जी कितने वो सोन, मेरे घर सरकार कैसे आएंगे। मदीने के लोग अपने घर से जा के बैठे हैं, महल्ला से जा के बैठे हैं, लेकिन मेरे आका चूँकि आए ही गरीबों के लिए, वह मेरी उठनी की नकेल छोड़ दो, जिसके दरवाजे पर बैठ जाएगी मैं उसी का मेहमान हूँगा। हज़रत अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर आकर उठनी बैठी, वेखो नहीं वेखो सैयो कम महबूब दे, डाची जे बहगी बूए अबू अय्यूब दे। जो महलात में थे ना वो देखते ही रह गए, नीवियाँ दा पुराना मेरा नबी कोठियाँ ते चढ़े वेख दे रह गए। जो मकान के महलात में इंतजार कर रहे थे वो देखते रह गए हजूर गरीब। आज जो लीडर हैं वो कब गरीबों के पास जाते हैं, दावा तो सब गरीबों का करते हैं, हम गरीबों के बड़े महती हैं, गरीब के घर कोई जाना पसंद ही नहीं करता। सरकार ने फरमाया कि मेरा दीन गरीबों में आया, गरीबों में रहेगा, क़यामत को गरीबों में उठेगा। अल फ़क्र व फ़खरी फरमाया, फरमाया फ़कीरी मेरा फ़ख्र है। गरीबी पर सरकार ने नाज किया है, गरीबी पर सरकार ने, आज कोई गरीब बनने के लिए तैयार नहीं है। हलाल हराम हर तरीके से लूट रहा है, पीर क्या मौलवी क्या लीडर क्या हर कोई, कि हमारा बंगला बड़ा हो कोठी बड़ी हो गाड़ी बड़ी हो ये इज्जत का मेयार है, लेकिन कुर्बान जाएं मुस्तफ़ा करीम की सादगी पर। कैसा नमूना दिया मेरे आका ने, वो किसी ने क्या खूब कहा कि ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, और हर एक को मुयस्सर कहां उस दर की गुलामी, उस दर का दरबान तो जबरीले अमी है। इतनी बड़ी बारगाह है मेरे आका की, इतनी बड़ी बारगाह है मेरे आका की कि उस दरवाजे पर जबरीले अमीन दरबार बन के आते हैं। तो रहमत आलम के मिलाद पर खर्च करना,
अगर अबू लहब काफर होकर उसको फैज मिलता है, हम तो गुलामान मुस्तफा है। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं कि मन अज़्ज़मा मन अनफ़क़ा दिरहमन मन अज़्ज़मा मौलवी सल्लम फकान सबबन ला यहरुज मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुल जन्नत बगैर हिसाब। जो महबूब के मिलाद का तज़ीम करे, मिलाद मनाने का सबब बनेगा, वो दुनिया से ईमान लेकर जाएगा और जन्नत में बगैर हिसाब के जाएगा। जन्नत में बगैर बोलो। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं अगर मुझे अल्लाह ओहद पहाड़ के बराबर सोना अता करे तो मैं हजूर के मिलाद पर खर्च कर दूं। मैं हजूर के मिलाद पर बोलो खर्च कर दूं। हजरत मरूफ कखी फरमाते हैं कि जिसने महबूब के मिलाद पर मन औकादा सिराजन व लाबिसा जदीदन चरागा किया, नेक कपड़े पहने, क़यामत के दिन वो अंबिया की सफ में उनके पीछे जन्नत में दाखिल होगा। महबूब के मिलाद का दिन है कल इंशाअल्लाह अज़ीज़। बर्मिंघम में जलूस है जो 12 रबीउल अव्वल को हर साल निकलता था जब मैं वहाँ खतीब था। उस दौर से लेकर 84-85 की बात करता हूँ मैं पा मंजूर, उस ज़माने से लेकर वहाँ से जुलूस हम निकालते थे मिलाद पाक का, और वहाँ से निकलता था 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। इस मरतबा तारीख चूँकि थोड़ी चेंज होगी हिसाब में, उनके हिसाब में था कि हफ्ते को बनती है लेकिन इतवार को 12 है, हफ्ते को हो या इतवार को हो दिन तो दोनों सरकार की है। तो हफ्ते को वहाँ 21 शेक्सपियर स्ट्रीट बर्मिंघम में जो हमारे हजूर क़िबला आलम शहनशाह अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली के नाम पर मस्कद है, सेंटर है, मस्जिद है, उसका पहला मैं ही खतीब था, मैं उसको बुलाने वाला था, लेकिन उसके बुनियादी जो बनाने वाले सरपस्ती फरमाने वाले हैं वो पीर साहबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती हैं, और उनकी सरपस्ती में उनकी क़यादत व सियादत में महबूब अगे आ जा शुक्र तुम आ जाओगे इतने अगे आ जा कि उनकी क़यादत में इंशाल्लाह वो जुलूस निकलेगा कल हफ्ते 1 बजे नमाज ज़ोर के बाद, और इतवार को यहाँ मानचेस्टर विक्टोरिया मस्जिद में, यहाँ भी मैंने खिताबत की है 11 साल, लेकिन वो मस्जिद तो बड़ी है लेकिन स्वाद जो DM का है ये अपना है। मकबूल साहब देर से आए या सवेर से आए, जब आते हैं मुस्कराते हैं तो दिल खुश हो जाता है, पाग फूरदा दिल करे आ जान कि सवेर जो नींद ना होंगे फिर दिल तकलीफ होती है। देखो कितनी सजी है महफिल, मेरा पुत्र मुझे पता है ख़त्म कर दिया मैं तो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आज महबूब भी चमके है पा मकबूल भी चमके है, अल्लाह आपके सफ़र में अपनी रहमत नाजिल फरमाए। खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ, जो काम करने के लिए जा रहे हैं, जो मिशन के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उसमें कामयाबी कामरानी अता फरमाए। पाकिस्तान हमारा वतन है, अल्लाह उसको सलामत रखे, मौजूदा जो हालात शुरू हो चुके हैं अल्लाह करीम दुश्मन के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह करीम हमारे DM को, अदारे को कामयाब कामरान फरमाए। अल्लाह करीम डॉक्टर साहब को, उनके बरादरान को, बुमा आप उनकी औलादों के अल्लाह ताला सब को सलामत रखे, दराजी उम्र अता फरमाए। जितने नमाजी तशरीफ लाते हैं, ये हमारे बच्चे स्टूडेंट जो आते हैं, ऑफिस में काम करने वाले आते हैं, अल्लाह करीम इन सब को अपनी रहमत के खजानों से और महबूब के मिलाद के सदक़े हर नेमत से नवाजे। अल्लाह ताला आलमीन के मुसलमानों पर करम फरमाए। मेरी वो माएँ बहनें बेटियाँ जो दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह करीम सब की नेक हाजात को पूरा फरमाए। वमा अलैना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नता मअल अब्रार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। करीम परवरदिगार ये टूटे फूटे सजदे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही अपनी करीमी के सदके हमारी खताएं माफ फरमा। अपने महबूब के मिलाद के सदके हर बे औलाद को औलाद सालिह अता फरमा। या अल्लाह पाक जो सहबे औलाद उनके औलादों को नेक फरमा। करीम परवरदिगार तेरे महबूब के मिलाद का दिन है मेरे मौला, सदका महबूब के मिलाद का आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा। मौलकाद पाकिस्तान को अरबला वबा से महफूज फरमा। हित्ता कश्मीर को आज़ाद फरमा। फलस्तीन लबनान शाम ईरान इराक अफगानिस्तान के मुसलमानों पे करम फरमा। या अल्लाह पाक इनकी आमीन में भी जो जान है तू जानता है, जो इनकी नियतें हैं मेरे मौला वो भी तू जानता, सब की पूरी फरमा।
हम सब की आमीन को कबूल फरमा। मेरी माए मैंने बेटियां जो दुआ के लिए कहते हैं भाई बुजुर्ग आला पाक सबकी नेक हाजात को पूरा फरमा, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह पाक हजूर के वालदैन करीमैन के सदके हम सब के वालदैन की बख्शिश फरमा, डॉक्टर साहब के वालदैन के दर्जात और बुलंद फरमा। या अल्लाह अपने महबूब की रहमत के सदके जिसने जो दुआ के लिए कहा, जो नियत लेके बैठे हैं मेरे साथ पूरी दुनिया में दुआएं मांगने वाले, मेरे मौला तू समीउ बसीर अलीम बिज़ात सुदूर, मेरे मौला अपने महबूब की रहमत के सदके सबकी झोलियाँ बांट दे, सबकी नेक हाजात को पूरा फरमा। जनाब मलक मकबूल साहब ये सफ़र में जा रहे हैं, मेरे मौला माँ महबूब के या अल्लाह पाक कामयाबी और कामरानी के साथ ये सफ़र कर सकें, खैर से जाएँ खैर से वापस आएँ। वसल्लल्लाहु तआला हबीबी मुहम्मदिन वाला आलिही वा सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।